अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर स्मार्ट बनाने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश से लेकर विदेश के कई वीवीआईपी मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में वीवीआईपी पर्यटनों के लिए भी सरकार अलग से व्यवस्थाएं कर रही है। अयोध्या को जीरो कार्बन युक्त बनाने के साथ साथ वीवीआईपी पर्यटकों की सुखद यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कारें चलाई जा रही हैं। अयोध्या को 12 इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध करा दी गई है। ये सभी 12 इलेक्ट्रिक कार अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उपलब्ध हैं। इन वाहनों के इस्तेमाल से अयोध्या में पॉल्यूशन नहीं होगा और अयोध्या वासी खुली हवा में सांस ले सकेंगे। इस कार में सवार लोगों का क्या कहना है, सुनिए। भाई आए हैं बाहर से, तो मैं इनको घुमाने के लिए हनुमानगढ़ी ले जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है? गाड़ी बहुत अच्छी है और काफी जगह भी है, काफी कंफर्ट है और सीट भी मतलब काफी अच्छी सीट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण अब ईंधन जो हम लोगों पे डीजल और पेट्रोल की मांग बढ़ती थी, उसका हम लोग के ऊपर असर कम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अयोध्या में पोल्यूशन भी कम होगा। हाँ, ये पोल्यूशन तो बहुत ही कम होगा अयोध्या में। हमें लगता है कि आने वाले समय में वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मतलब डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की गाड़ियाँ जो है बंद हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक ही चलेगी, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। अयोध्या तेजी से डेवलप हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या तो मान लीजिए कि आने वाले समय में लखनऊ पीछे हो जाएगा, अयोध्या आगे हो जाएगा उससे। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें बैठने में, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या का, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या आपके किराया इसका जो है आपके बजट में है? हाँ हाँ, इसका किराया बजट में, पहले बहुत किराया था, इसका कम है किराया। कुछ दिनों बाद अयोध्या में कई और इलेक्ट्रिक कारें पर्यटकों के लिए आ रही हैं, जिनको अयोध्या के खास स्थानों पर पर्यटन दर्शन के लिए लगाया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में इन इलेक्ट्रिक कारों को मोबाइल ऐप से भी जोड़ा जाएगा, जिसे पर्यटक अपने मोबाइल से इन इलेक्ट्रिक कारों को बुक कर सकेंगे।